please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करने निकले किसानों का मोर्चा रंग लाएगा? क्या मुंबई की तरफ बढ़ रहे हजारों किसानों को उनकी फसल का बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा? क्या महाराष्ट्र सरकार किसानों की मांगों को मानकर उनका कर्ज पूरी तरह से माफ करेगी? ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा घेरने जा रहे हजारों किसानों का मोर्चा थाने तक पहुंच चुका है और सीबीआई से जुड़े हजारों किसानों ने 13 मार्च को मुंबई में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसानों की मांग है कि सरकार कर्ज माफी के वायदों को पूरा करे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाए। अमन सईद हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमन, फिलहाल ये काफिला कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, आज सुबह ये काफिला शाहपुर से शुरू हुआ था 5 बजे करीब और अब ये वहां से नासिक भिवंडी की तरफ बढ़ रहा है, तो आज शाम तक ये भिवंडी तक पहुंचेगा और वहां पे इनका पड़ाव होगा। जिस तरह लगातार ये इन्होंने अपना काफिला शुरू किया था 6 मार्च को नासिक से और ये विधान भवन का घेराव करने के लिए ये सोच रहे हैं। 12 मार्च को ये मुंबई पहुंचेंगे और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, जिस तरह इनकी मांगे हैं, जो किसान कर्ज माफी की थी उसके जो उनको उसके पैसे अब तक नहीं मिले हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की इनकी खासकर मांगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें की गई थी वो अब तक नहीं की गई, ऐसा इनका आरोप है। तो इस बात को लेकर ये सोमवार को वहाँ पहुंचेंगे। अगर वहाँ नहीं किया जाता तो इनको आजाद मैदान पर ये धरने पर बैठेंगे। जी नवजोत, सरकार कितनी तैयार लग रही है, फडणवीस सरकार? जी देखिए, फडणवीस सरकार लगातार जो नेतृत्व कर रहे हैं, खासकर लेफ्ट पार्टियों के नेतृत्व इस किसान महासभा मोर्चा में शामिल है, तो उनसे लगातार बात कर रही है और हालांकि सुरक्षा के भी इंतजाम कर दिए गए सरकार के द्वारा कि अगर किसी तरह की कोई ऐसी घटना होती तो नहीं होनी चाहिए, तो सरकार भी अपनी तरफ से तैयार है और लगातार उनसे बात कर रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और इस मोर्चे को रोका जाए। ये कोई नई मांग नहीं है, ये तमाम मांगे वही हैं जो अक्सर किसान करते आए हैं और जिस वक्त चुनाव हो रहे थे उस वक्त तमाम पार्टियों ने मैनिफेस्टो में इनका जिक्र भी किया था कि अगर सत्ता में आते हैं तो फिर उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, गौर किया जाएगा। खुद देवेंद्र फडणवीस भी इन बातों का जिक्र बार बार करते हैं, लेकिन वजह क्या है कि अब फिर से किसान सड़कों पर है? महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से किसानों की आत्महत्या के लिए जाना गया है, हर साल नए नए आंकड़े आते हैं और वो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर 4 साल विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाके में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद सूखा पड़ा था, फिर उसके बाद सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो किसानों की कर्ज माफी कर देंगे पूरा, लेकिन उसमें भी कुछ अनिश्चितताएं देखी गई थी। तो इन बातों को लेकर किसान काफी नाराज है और खासकर हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई थी, इनके तैयार फसलें खराब हो गई थी, इन बातों में काफी नाराज थे किसान। अब उन्होंने ये तय किया है कि अब वो सरकार के पास जाएंगे और नहीं हुआ तो वो घेराव करेंगे और इस वक्त विधानसभा का बजट सेशन भी चल रहा है तो उनको लगता है कि ये सही समय है कि सरकार तक अपनी मांगे रखी जाए। लगातार सरकार ये बात कहती है, ये दोहराती आई है, फडणवीस मुख्यमंत्री खुद ये बात कहते आए हैं कि उन्होंने किसानों की तरफ ध्यान दिया है, जहां तक एमएसपी की बात है उस पर भी ध्यान दिया गया, लेकिन बावजूद इसके किसान संतुष्ट नहीं, क्यों? देखिए, किसानों की यही बातें हैं कि सरकार भले ये दावा करती है लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार के दावे झूठे हैं क्योंकि जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जमीन पे जिस तरह उनको कर्ज माफी की बात की गई थी वो कर्ज माफी के पैसे कई किसानों को नहीं मिले, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो सिफारिश थे वो उनको अभी तक लागू नहीं किया गया। इन बातों को लेकर किसान लगातार नाराज है और जब हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई थी उसको लेकर सरकार ने कहा था कि उसकी जल्द से जल्द भरपाई कर देगी, वो नहीं हुई है, तो किसान जो लगातार जो उनका गुस्सा है वो बढ़ते ही जा रहा है, इसी वजह से उन्होंने अब ये स्टेप लिया है। नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो ये अब किसान निकल पड़े हैं और घेराव करना है विधानसभा का। बहरहाल इस खबर पर रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर विवाद उठने के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि सौदे से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती। एक इंटरव्यू के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने दावा किया है कि राफेल सौदा भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन व्यावसायिक वजहों से इस दौरे की तमाम जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। और मैक्रोन ने यहां तक कहा है कि
36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के सौदे से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें भारत के व्यावसायिक हितों को भी ध्यान में रखा गया है। बिहार की आरा जेल से कैदियों के मोबाइल पर बात करते और नशा करते तस्वीरें सामने आई। जेल में बंद 76 अपराधी आराम से बिना किसी डर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, कैदी बिना किसी रोक टोक के नशा भी कर रहे हैं। और इससे पहले कई बार बिहार की जेलों में साजिश रचने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की खबरें लगातार आती रही हैं, लेकिन जेल प्रशासन कितना गंभीर है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल के भीतर अपराधियों को मोबाइल और नशे का सामान कौन देता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये जेल के अंदर की तस्वीरें हैं। मंडल कारा आरा जेल है, ये वहां की तस्वीरें हैं। मोबाइल फोन पर बात करते कैदी आराम से नजर आ जाएंगे, और ऐसा नहीं कि कोई छुपकर बात कर रहा है, टहलते हुए आराम से बातचीत करते नजर आ जाएंगे। सवाल यह है कि सुशासन की दुहाई देते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इन तस्वीरों पर क्या जवाब देंगे? क्या इन तस्वीरों को लेकर कोई जवाब है नीतीश सरकार के पास? नशे का सामान भी इनके पास मौजूद रहता है, कौन पहुंचाता है मोबाइल फोन, कौन पहुंचाता है यहां पर, क्या किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं होती है? सवाल सबसे बड़ा यही है, और इसका जवाब जेल प्रशासन को तो देना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी इसका जवाब रखना होगा, क्योंकि सुशासन की दुहाई देते हैं, अपराध को खत्म करना है और राज्य से नशा पूरी तरह से नशा मुक्त एक तरीके से राज्य बनाना है, लेकिन क्या इस तरीके से बनेगा? जेल के अंदर अपराधियों की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ मौजूद है, अब जवाब क्या है सरकार के पास इसका? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए यह तस्वीर सामने आई है, उसके बाद से सरकार की तरफ से रटा रटाया जवाब है कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी जेल में तैनात होंगे अधिकारी या फिर कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि आखिर जेल में कैसे पहुंचा इस तरह से नशे का सामान और मोबाइल। तो राज्य सरकार का यह हमेशा से जवाब रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यह वीडियो सामने आया है, सिर्फ यह एक जेल का है, बिहार के तमाम जेलों में यही स्थिति है और कई ऐसे वारदात भी सामने आए हैं इससे पहले जो जेल से संचालित किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत है, शायद यही वजह है कि इस तरह से अपराधी जो जेल में बंद है, कुख्यात अपराधी बंद है, वो बैठकर वहां से रंगदारी वसूलते हैं और साथ ही अपराधों को संचालित करते हैं, लोगों की हत्याएं कराते हैं, और यह एक छोटा नमूना है। और इसके जैसा बिहार में जो कई ऐसे जेल हैं जहां पर कुख्यात अपराधी बंद हैं और उनके खिलाफ कई बार FIR भी दर्ज हो चुका है, सरकार यही कहती है कि कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जांच होगी, लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है उसमें शायद कार्रवाई ना के बराबर ही रही है। पर सवाल बड़ा ये भी है ना चंद्रमोहन, कि इस ये जो वीडियो है इसकी पुष्टि क्या किसी ने की है? कितना ऑथेंटिक है ये वीडियो? बिल्कुल, देखिए यह वीडियो 100% ऑथेंटिक है और यह जो वीडियो मुझे मिली है यह प्रशासन के तरफ से ही मिली है, क्योंकि एक दिन जांच के लिए पुलिस वहां पर पहुंचने वाली थी और उससे थोड़े देर पहले यह वीडियो वहां से सामने आया था। लोग यह कोशिश कर रहे थे कि कहीं यह प्रशासन जो जेल प्रशासन वहां पर जांच के लिए पहुंच रही है उसके हाथ ना लग जाए, इसको लेकर यह जल्दी जल्दी इसको हटाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान यह मेरे पास वीडियो सामने आया। हालांकि कल भी एक जेल में छापेमारी हुई है, बिहार के एक जेल में, जहाँ से 3 मोबाइल और कई आपत्तिजनक। तो चंद्रमोहन, इसके लिए तो सीधा सीधा फिर जेल प्रशासन भी सवालों के घेरे में, उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इतनी चेकिंग होती है बावजूद इसके वहां पर मोबाइल पहुंचते हैं, ड्रग्स का सामान पहुंच जाता है। साफ तौर पर यह जो वीडियो सामने आया है दिखा रहा है कि जेल प्रशासन और जो कैदी हैं उनके मिलीभगत से जेल के अंदर मोबाइल पहुंच रहे हैं, उसके अलावा कई आपत्तिजनक सामान पहुंचते हैं। हालांकि कई ऐसे जो कुख्यात अपराधी हैं उनकी जेल में अपनी तूती बोलती है और अपने हिसाब से जेल के अंदर उनका खाना भी तैयार किया जाता है, बाहर से भी खाना मंगाया जाता है। तो जेल प्रशासन का रटा रटाया या हमेशा से जवाब है कि जो भी इस तरह के मामले आते हैं उसमें कार्रवाई होती है और पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कार्रवाई कब तक? क्या अपराधियों के पास इसी तरह से आपत्तिजनक सामान और मोबाइल जेल में पहुंचते रहेंगे? क्या प्रशासन नजरा बना रखी, लौटेंगे और इस पर सरकार का रुख क्या रहता है, क्या जवाब इस पर आता है जेल प्रशासन का, उस पर भी हमारी नजर रही। क्या आरुषि हत्याकांड में सीबीआई तलवार दंपत्ति को फिर घेरेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील से आरुषि के माता पिता पर फिर शिकंजा कसेगा? दरअसल
आरुषि केस में सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लगता है कि डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार के हक में दिए गए फैसले में जो बातें सीबीआई के खिलाफ कही गई थी और गवाहों के बयान का कोर्ट ने ठीक परिप्रेक्ष्य में आंकलन नहीं किया है और इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के निर्णय को उलटते हुए राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अक्टूबर में बरी कर दिया था। पिछले साल अक्टूबर में बरी उनको किया गया था। एविडेंस सुप्रीम कोर्ट भी जो एविडेंस ऑलरेडी है वही देखेगा, ये कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है ना कि कोई फ्रेश एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड में है वही सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिस्कस करेगी। लोअर कोर्ट ने एक व्यू लिया, हाई कोर्ट ने एक व्यू लिया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक व्यू ले। नितेश हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बने। नितेश, क्या आधार बनाकर अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है? देखिए नवजोत, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था उसको जो है सीबीआई पुख्ता मानती है और सीबीआई का ये कहना है जो कागजात सुप्रीम कोर्ट में जो ओपिनियन जिसके बेसिस पर सीबीआई ने दोबारा जो ये अपील की है जजमेंट के, हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, उसमें ये बताया गया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो इतने पुख्ता थे। सो 10 से 6 बजे शाम रात से सुबह 6 बजे के बीच तलवार फैमिली के घर से कोई भी आदमी जो है ना तो बाहर गया और ना अंदर आया, सिर्फ वही लोग मौजूद थे। तो सीबीआई का कुल मिला के ये कहना है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है पूरी तरह से पुख्ता थे। इसके अलावा जो विटनेसेस थे, भारती मंडल जो मेड थी जो सबसे पहले सुबह में आई थी और उसने जो नुपुर तलवार से उनकी बातचीत हुई थी, उन सब तथ्यों को मिला के सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की है। और सीबीआई का मानना है कि विटनेसेस के जो बयान थे उसको भी पूरी तरह से कंसिडर नहीं किया गया और साथ में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी देखने का नजरिया कोर्ट का कुछ अलग रहा। हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है नितेश, एक सवाल और जानना चाहेंगे, क्या कुछ नए सबूत भी हैं जो सीबीआई पेश कर सकती है इसमें? देखिए अब तक जो जानकारी मिल रही है, जो कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है वो कागजात जो है न्यूज 18 के पास है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी तरह का कि नए सबूत मिले हैं जिसके आधार पर हम वापस जो अपील करने जा रहे हैं। जो अवेलेबल एविडेंसेज हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और विटनेसेस के जो बयान हैं उसी के बिना पर जो है सीबीआई ने दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, अपील की है जजमेंट के खिलाफ। नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे नितेश आपके पास। और इस बीच हम ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के मुद्दे पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया है और कि अगर डॉक्टरों का बोर्ड मरीज की बीमारी को लाइलाज घोषित कर देता है तो उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, ये फैसले में कहा गया है। और मरीज के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया भी जा सकता है। इच्छा मृत्यु का हक देने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, हालांकि इसका केंद्र सरकार विरोध करती आ रही थी। एहतिशाम, क्या कहा कोर्ट ने इसको लेकर? देखिए इसमें दो अहम पहलू हैं, दो अलग अलग बातें हैं। एक पहली बात यह है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकग्नाइज किया है, जिसे हम कहते हैं लिविंग विल, यानी कि एक ऐसी वसीयत कि आप जब इंसान बिल्कुल ठीक ठाक है वो एक वसीयत कर सकता है कि अगर उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो इतना बीमार हो जाए कि वो उसकी बीमारी लाइलाज हो और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो उसके शरीर को, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ पैसिव यूथेनाजिया यानी कि उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाए ताकि वो शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर सके। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वसीयत करने की, लिविंग विल बनाने की एक इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और दूसरी बात, साथ ही साथ ये भी कहा है, जो इससे पहले भी एक फैसला अरुणा शानबाग के केस में आया था उसको आज और मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने रख दिया है। उसमें ये कहा है कि जब भी कोई लाइलाज बीमारी हो तो ऐसी स्थिति में जो रिश्तेदार हैं वो अप्रोच कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड को और हाईकोर्ट को, जिसमें मांग की जा सकती है कि इस व्यक्ति को पैसिव यूथेनाजिया दे दिया जाए, यानी कि जो उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाए जिससे वो मृत्यु को प्राप्त कर सके। तो ये दो अहम पहलू हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज रिकॉग्नाइज किया है और ये संविधान पीठ था सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों की पीठ थी जिसने इस ये फैसला दिया है और ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई इससे जुड़ा कानून नहीं बना लेता। क्योंकि इसको लेकर, इसी को लेकर जो आखिरी सुनवाई हुई थी उसमें
केंद्र ने यह भी कहा था कि इसका विरोध करते हुए ये बात कही थी कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ऐसी आशंका भी जताई थी। और वही बात जिसका जिक्र आपने कहा यहाँ पर किया है कि उस केस का भी हवाला देते हुए कहा था कि अगर पहले कोर्ट इस तरह का हक दे चुका है तो यानी उसको भी कहीं ना कहीं देखा गया, रखा गया है इस फैसले में। बिल्कुल, क्योंकि फैसले के दो हिस्से हैं, तो जो पहला हिस्सा है इससे पहले जो अरुणा शानबाग का जजमेंट था जिसमें पैसिव यूथनाइजिया को रिकॉग्नाइज किया गया था उसको भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इस फैसले में लिविंग विल को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, सरकार इसका विरोध करती आई थी क्योंकि उनका ये कहना था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, उसके लिए सेफगार्ड्स इस फैसले में दिए गए हैं, लेकिन वो सेफगार्ड्स अभी पढ़ के नहीं सुनाया गया है अपरेटिव पार्ट में। जब पूरा फैसला आएगा तब वो हमें सेफगार्ड्स पता चल पाएंगे। आप बनाए रखिए, फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से अपनी इच्छा लिख देता है कि मृत्यु शैया पर पहुंचने या फिर रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए।